अच्छा स्टूडेंट, वेलकम बैक। और हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो एल्गोरिथम है ये कैसे काम कर रहा है। तो इसको तो हमने देख लिया था कि इसकी वर्किंग मैकेनिज्म जो है वो क्या है, और ऑलमोस्ट हमने ये बात चेक कर ली थी कि मिसाल के तौर पर इनिशियली हमारे पास स्टार्ट नोड जो है वो एस है, तो यहाँ पर उसके दो सब नोड्स पिक करेगा जिसमें से एक जो है वो डी होगा और एक सॉरी आर था और एक जो है वो डब्ल्यू होगा। और जब ये इन दोनों को ग्रे और इनकी सब इनके यानी पेरेंट की इंफॉर्मेशन डेटा स्ट्रक्चर में रखने के बाद इसको वो इनक्यूबी करेगा क्यू में, और उसके बाद जब ये बाहर निकल रहा होगा इस फॉर लूप से दो दफा चलाने के बाद, तो ये बेसिकली जो एस है उसको ब्लैक कर देगा। तो इसका मतलब है वाइट रेडी स्टेट है, ग्रे वेटिंग स्टेट है, और ब्लैक जो है वो प्रोसेस यानी हो चुका है वो स्टेट। तो एस बाहर निकल गया, और उसके बाद हम आगे बढ़े अगर, तो आगे ये कहता है वो ये है कि जब हम ऊपर आगे की तरफ जाएंगे तो डी क्यू तो पहले कर चुका था यहाँ पे, तो उसके बाद ही सारा प्रोसेस किया था, कलर बाद में ब्लैक किया इसने। फिर दोबारा वाइट यहाँ पे जाएंगे तो ये अभी एम्प्टी नहीं है, दो नोड और आ गए हैं इसके अंदर, तो लिहाजा ये दोबारा अंदर जाएगा और जो सबसे पहले इन हुआ होगा उसको बाहर निकालेगा, यानी आर को डी यू कर देगा। उसके बाद वो कहेगा कि जो आर का एडजेसेंट है, आर का जो एडजेसेंट है उसको जो है वो आप बेसिकली उसमें से पिक कर, अब आर के जितने भी एडजेसेंट होंगे उतनी दफा ये लूप चलेगा। तो ये लूप बेसिकली रेंडमली चल रहा है, कभी दो कभी तीन कभी चार, इस तरह से डिफरेंट टाइम्स में ये लूप जो है वो चल रन होगा। और उसके बाद फिर ये उनमें से जो नोड, जैसे हमने पिंक वाली मार्क बात की थी ना, तो उनमें से जो पहले से ग्रे या ब्लैक हुए होंगे उनको रीड नहीं करेगा, बल्कि जो वाइट होंगे, अगर वो वाइट है जो नोड यहाँ से पिक हुआ है वो अगर वाइट है तो फिर उस पर वर्क कर रहा होगा, वरना ये वर्किंग जो है वो ये नहीं करेगा। तो इस तरह से ये बेसिकली वर्किंग होते रहेगी, और जब ये आपका जो क्यू है वो एम्प्टी हो जाएगा तो ये फाइनली इससे बाहर निकल जाएगा और ये डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंटेन हो चुका हो। तो इस तरह से ये आपके बिल्कुल इसी तरह अकॉर्डिंगली जो भी हम बात कर रहे थे उस तरह से ये रन होके मेंटेन कर लेगा अपने आप। अब सवाल यहाँ पे ये रेज होता है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या है, यानी अगर हम कहें कि ये इसको कितना टाइम लगेगा, तो आप इसको आसानी अंदाज कर सकते हैं कि अगर मैं करूँ तो उस तरह से करूँगा कि ये वाला जो वन से लेकर फोर तक का एलिमेंट है इसमें ये तीन लाइन तो कांस्टेंट है और ये बेसिकली फोर का लूप है, इसमें एस तो शामिल नहीं है, तो लिहाजा जितने नोड्स होंगे वर्टिसेस या नोड्स जो भी कह लो उतनी दफा ये रन होगा, उससे एक कम, तो ये हो जाएगा वी माइनस वन टाइम्स जो बेसिकली रन होगा। ये इसको हम कहते हैं इसकी कार्डिनलिटी, लिख लो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करते हैं, तो इतने वर्टिसेस इसके हैं तो इतनी दफा रन होगा। उसके बाद फिर ये वाला तो चाहे जितने भी नोड्स हो एक दफा तो रन होना ही होना, तो इन सबों की जो कॉस्ट होगी वो वन होगी, क्योंकि ग्रे करना जीरो करना ये सिर्फ और सिर्फ सोर्स को कर रहा है, क्योंकि एक दफा वन टाइम के अंदर सारा का सारा हैंडल हो जाएगा ऑर्डर ऑफ वन में। उसके बाद क्यू को इनिशलाइज किया, ये भी ऑर्डर ऑफ वन का काम है, क्यू इनिशलाइज हो जाए ऑर्डर ऑफ वन का काम है। अब ये क्यू ने इनक्यू करना, ये भी ऑर्डर ऑफ वन का काम है, ये सब कांस्टेंट रनिंग टाइम में चल रहे हैं। ये जो वाइल है, अब ये जरा देखना वाइल, इसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, ये जो वाइल है ये वाइल चलेगा उस वक्त तक जब तक कि क्यू एम्प्टी ना हो जाए, तो क्यू एम्प्टी ना हो जाए, लेकिन इसके पीछे राज ये है कि इस क्यू के अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो नोड्स होते हैं, यानी एस आएगा, टी आएगा, पी आएगा, यानी जो भी एलिमेंट्स हैं, एक्स आएगा, यू आएगा, वाई आएगा, वट एवर जो भी एलिमेंट्स हैं, यानी जो एलिमेंट्स मतलब है जो भी नोड्स हैं, और जो भी नोड्स है वो एक दफा आएगा, यानी ये क्यू एक साथ पूरा फिल नहीं हुआ, ये क्यू जो है ये बारी बारी फिल होगा, पहले पार्शली एस आया था, फिर टी और डब्ल्यू आया, फिर एक एलिमेंट आया, नेबर के हिसाब से आते जा रहे हैं इसके अंदर, लेकिन कोई भी नोड दो दफा रीड नहीं होगा इसके अंदर, और हर नोड एक दफा जरूर आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कितनी दफा क्यू के अंदर फिलिंग होगी, जितने नोड्स होंगे उतनी फिलिंग होगी, इसका मतलब ये लूप जो है वो टोटल नंबर ऑफ बी टाइम्स चलेगा। अगर मैं देखूं तो ये नोड्स जो है टोटल नंबर ऑफ बी टाइम्स रन होगा। ठीक है, बात समझ आ रही?
और उसके अंदर ये वाला काम कॉन्स्टेंट रनिंग टाइम का है, ये जो आपके पास काम है यहाँ से लेकर इस जगह तक, इसमें अगर देखा जाए तो ये जो आपके पास 13 से लेकर 17 तक का वर्क है, 13 से लेकर 17 तक का, यहाँ 13 से लेकर 17 तक का जो वर्क है ये तो कॉन्स्टेंट है, यानी इसने तो होना ही होना है और कभी होगा कभी नहीं होगा। इफ जो है वो चेक जरूर करेगा, लेकिन नीचे वाला काम जो है वो कभी होगा और कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये इफ जो है ये आपका बेसिक ऑपरेशन है, ये जो इफ है ये आपका बेसिक ऑपरेशन, इसने होना ही होना है हर दफा, ये रीड होगा और इफ ने चेक करने करना है, ये कभी हो रहा होगा कभी नहीं हो रहा होगा। इस बेसिस के ऊपर ये वाला लूप जो है, मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंग, ये वाला लूप टोटल कितनी दफा चलेगा ये समझना है असल बात, इसमें काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, और अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है कि ये लूप टोटल कितनी दफा रन होगा जो 12 नंबर लाइन पे लिखा हुआ। अब देखिए होगा क्या कि जब यहाँ से एस रीड हुआ था, यानी क्यू से, यानी इन क्यू हुआ था एस, यानी जब इसके अंदर एस गया हुआ था और यहाँ से एस रीड हुआ था, इसको छोड़ दो यहाँ पे लिखो, एस रीड हुआ था, तो उसके बाद जब ये फोर के पास आया था तो फोर दो दफा चला था, ठीक है, फोर जो है वो दो दफा, यानी इसके नेबर्स जो है वो, ये दो दफा इसलिए चला था कि एस जो है इसके बेसिकली एजेस जो थे, यानी एक एज जो था इसका आर था और एक एज जो है इसका जो है वो डब्ल्यू था, तो ये बेसिकली दो एजेस तक मूव किया था, क्योंकि एडजेसेंट ढूंढ रहा है ना, तो एडजेसेंट का मतलब है एजेस पे ट्रेवर्स करेगा, एक एज ये होगा एक एज ये होगा, यानी अगर एस के दो एजेस हैं तो कुछ इस तरह लगे हुए होंगे, तो इस पे मूव करेगा और इस पे मूव करेगा और ये वाले दो नेबर्स को ढूंढेगा। तो कह रहा है ये दो दफा रन होता और दो दफा रन होकर बाहर निकल जाएगा, उसके बाद फिर ये वापस जाएगा और आर को पिक करेगा, सॉरी यहाँ से आर को पिक करेगा और आर के नेबर्स को ढूंढेगा, आर के जितनी भी, अगर मिसाल के तौर पर ये आर है तो आर के जितने भी नेबर्स होंगे उनके एजेस पे मूव करेगा ये, मिसाल के तौर पर आर है तो आर यहाँ पे अगर लिखा हुआ है और आर के कोई तीन नेबर्स हैं, मिसाल के तौर पर एक नेबर ये है, एक नेबर ये है और एक नेबर ये है, तो ये लूप जो है तीन दफा चलेगा, तो दो दफा पहले चला और एक तीन दफा अब चल गया, और फिर उसके बाद ये डब्ल्यू के लिए रन होगा, डब्ल्यू के लिए मतलब डब्ल्यू के नेबर्स को ढूंढेगा, डब्ल्यू के नेबर्स मिसाल के तौर पर अगर तीन होते दो होते तो दो दफा और चलता ये। अब अगर देखा जाए, अगर आप उसको एनालाइज करें तो हर दफा ये वाइल के लिए आता है और डिफरेंट टाइम्स चलता है ये, यानी जब वाइल में किसी नोट को लेके आता है तो इसके चलने की तादाद डिफरेंट होती है, वो डिपेंड करती है उसके नेबर से। तो अगर हम इसके अगेंस्ट में इसको चलाएं और सोचें कि ये टोटल कितनी दफा चलेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये टोटल जो है ये जितनी एजेस इस ग्राफ के अंदर एग्जिस्ट करती उतनी दफा रन होगा, यानी फोर जो है वो हम एक हमेशा फर्स्ट टाइम में पूरा नहीं चल जाएगा, बल्कि पहले दो चलेगा फिर तीन, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट वेज में चल रहा होगा डिपेंडेंट ऑन द एजेस। तो ये बेसिकली यहाँ पर टोटल ई टाइम्स रन होगा, क्योंकि हर एज को, हर एजेस को एक दफा एक्सेस करेगा और टोटल ई टाइम्स ये रन होगा। हम कहेंगे कि अच्छा, अब ये क्योंकि बाजू का ऐसा होता है, मैं आपको बताऊँ कन्फ्यूजन क्या होती है कि फोर का एक लूप चलता है और वो वन से लेकर एन तक चला मिसाल के तौर पर, और फोर का दूसरा लूप चला इसी के सुपरविजन में, फोर है या वाइल है जो भी है ये वन से चल रहा है और वो वन से लेकर थ्री तक चलेगा, तो हम कहते हैं भाई इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। तो कहेंगे ये हर एक वैल्यू के लिए तीन दफा रन हो रहा है तो, और एन टाइम्स के लिए चलेगा, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर कितना आ जाना चाहिए। तो कहेंगे हर एक के लिए तीन दफा चल रहा है और एन टाइम्स ये रन हो रहा है, तो इसका फाइनल आंसर, यानी पहले के लिए तीन दफा चलेगा तो थ्री इंटू एन आ जाएगा आंसर इसका। हाँ बिल्कुल सही लिखा, थ्री इंटू एन आंसर आ जाएगा। और अगर ये दूसरा लूप वन इंटू एम टाइम्स चल रहा होता तो आप कहते हैं एम इंटू एन आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हर दफा वैल्यू चेंज हो रही है, लिहाजा हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि वी और यू का मल्टीप्लाई, वी और ई का मल्टीप्लाई कर लें, बल्कि हमने ये काउंट कर लिया कि इसके हर दफा चलने पे ये टोटल ई टाइम चलेगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब लिखेंगे तो हम कहेंगे देखो ये तो वी माइनस वन है, ये सारे कॉन्स्टेंट है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जब बात करेंगे कि भाई ऑर्डर ऑफ क्या लिखा जाए, तो आप कहेंगे ऑर्डर ऑफ वी, यानी इन दोनों को अगर देखा जाए तो वी बड़ा है, ये भी वी है, ये भी वी है, तो ये वाला वी बड़ा है वी प्लस ई टाइम्स जो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखी जाए हमारे ब्रेथ फर्स्ट सर्च की तो लीनियर कैटेगरी में आती है,
और वो डिपेंड करती है वी प्लस ई, जितनी दफा वी और जितनी दफा ई इसके अंदर होंगे वो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, चाहे वर्स्ट केस हो, चाहे बेस्ट केस हो, चाहे एवरेज केस हो, तीनों केसेस के अंदर जो है वो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी एग्जिस्ट करेगी। तो अब पता नहीं आपको समझ में आई बात ये वाली नहीं आई कि हमने वी इंटू, सम टाइम स्टूडेंट कहता है कि सर हमने वी इंटू ई क्यों नहीं किया, कि वी यहाँ से चल रहा है और ई यहाँ से चल रहा है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये ई जो है वो डिपेंडेंट है इसके एजेस पे और हर दफा सारे एजेस नहीं चल रहे होते, बल्कि एक नोड के जितने नेबर्स होते हैं वो चल रहे होते हैं। तो इसलिए हमने सारे काउंट कर लिए। जब सारे काउंट कर लिए तो हमने कहा भाई ये दोनों ऐड कर लो मल्टीप्लाई करने के बजाय, तो इस तरह से हमने कहा कि ये ऐड हो जाएंगे। यानी इसकी मिसाल इस तरह है, जैसे मैं आपको दूँ, मैं आपको समझाने की बात करूँ कि हर दफा ये जो है एन तक चलेगा, लेकिन हर एक के लिए ये तीन दफा चलेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं ना, ये तीन, पहले के लिए तीन दफा चला, दूसरे के लिए भी तीन दफा चला, तीसरे के लिए भी तीन दफा चला, ठीक है ना। और इस तरह कितनी दफा चल जाएगा, 3n टाइम्स चल जाएगा, n अटर्म तक चल जाएगा। हर दफा ये तीन दफा रन हो रहा है। इसको मैं शॉर्ट में क्या ले सकता हूँ, इसको मैं अगर समीशन में लिखूंगा तो इस तरह लिखूंगा, ये बात समझ आ रही, समीशन में लिखूंगा तो इस तरह लिखूंगा। तो यहाँ पर बेसिकली मैं अगर इसको डिफरेंट डिफरेंट करके लिखूंगा तो किस तरह लिखूंगा कि पहले वाले नोट के लिए ये दो दफा चलेगा, दूसरे नोट के लिए तीन दफा चलेगा, तो इस तरह अलग अलग करके लिखना पड़ेगा एडिशन। तो वो बेसिकली यहाँ पे शो हो रहा है कि ये बेसिकली वी प्लस ई टाइम्स रन होगा जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करेगा। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बेसिकली वी प्लस ई कैटेगरी में बिलोंग करती है, जो कि लीनियर है। तो इसलिए इसकी लीनियरिटी की वजह से ये बहुत पॉपुलर है और बहुत कसरत से जो है वो इस्तेमाल होता है कि अनवेटेड अगर ग्राफ है तो उसमें ट्रेवर्स करने की बात की जाए या शॉर्टेस्ट पाथ निकालने की बात की जाए तो उसका मेथड जो है वो ये वाला इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें जो अगला मेथड है वो बेसिकली, अगर हम अगले मेथड की तरफ जाएं, इसकी बाकी डिस्क्रिप्शन है वो मैंने छोड़ दी है सारी यहाँ पे, इसकी समझाने वाली डिस्क्रिप्शन है, ये तो आप दोबारा पढ़ लेने समझ में आ जाए। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इसने आखिर में निकाली होगी तो वो मैंने आपको समझा दिया है, सब डिटेल है ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जब इसने कहा कि इसकी ये होगी, डिटेल करने के बाद फाइनल कहा है कि ई प्लस वी है, ये आप वो बुक भी हेल्प दे देगी कि भाई किस तरह से ई प्लस वी। अगला जो टास्क है डेफ फॉर सर्च में वो ये करता क्या है, ये मैं असल में आपको दे रहा हूँ करने के लिए। ये करता ये है कि स्टैक यूज करता है, जो ग्राफ आपको दिया जाता है और इसके अगर कोई आगे की तरफ इसकी जो रिजल्ट है वो आगे की तरफ जा रहा हो, मिसाल के तौर पर ये सोर्स नोड है तो सबसे पहले सोर्स नोड को हम स्टोर कर देते हैं यहाँ पे। अब क्योंकि स्टैक है तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते, उसके बाद इनके नेबर्स को हम इसके अंदर इंटर करते हैं। नेबर्स में आप कहते हैं कि पहले इसको हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसके नेबर को स्टोर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला नेबर आ जाएगा, जो भी नेबर है एसेट ही है, मुझे याद नहीं आ रहा है मिसाल। फिर उसके नेबर्स को यहाँ पे इंटर कर लेंगे इस तरह से, कि पहले जब ये इसके एक्सट्रीम डेप्थ पे चले जाएगा तो पहले वो प्रोसेस होगा, फिर बैक में आके ये प्रोसेस, क्योंकि स्टैक में फिर बैक आएगा तो ये प्रोसेस होगा, फिर बैक आएगा तो ये प्रोसेस होने के। लेकिन इसका अगर नेबर कम्प्लीट नहीं हुआ होगा तो अगले नेबर को फिर इसी तरह ये सिंप्लीफाई करेगा। तो इसके सारा मैकेनिज्म इसके अंदर लिखा हुआ है, बहुत सिमिलर है, स्टेटस वैसे मेंटेन हो रहा है इसके अंदर, सारी चीजें वैसे मेंटेन हो रही है। ये इसका ये बुक से कोड लिखा हुआ है, अगर आपको ये कोड समझ में आए, ये सारा जो वर्किंग मैकेनिज्म था वो भी यहाँ पे समझाया हुआ है इसका, किस तरह से वर्क कर रहा है। और ये भी इसका कोड है, वहाँ पे भी लिखा हुआ है कोड, आप जो कोड लेना चाहें वो लेके इसको रन कर सकते हैं। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी जो है वो वी प्लस ई कैटेगरी के अंदर बिलोंग करती है। तो मैंने क्योंकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च पढ़ा दिया है ऐसे, तो ये पढ़ाने में इंटरेस्टेड ही हूँ मैं, ये आप जो है वो खुद उसको देख लीजिएगा किस तरह से डेफ फॉर सर्च जो वर्क करता है, ठीक है। ये था सिंगल सोर्स में। इसके बाद डिजेस्टर एल्गोरिथम है, वो हम अभी नहीं पढ़ रहे। डिजेस्टर एल्गोरिथम जो है वो को छोड़ के हम, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है हमारे पास, तो हम ऑल सोर्स जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ में हम लोग बेल क्या कहते हैं फ्लॉइड एल्गोरिथम, फ्लॉइड वर्चुअल एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। वो कैसे काम करता है, उसकी क्या वर्किंग है, उसके एल्गोरिथम्स क्या है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की अप्रोच इसमें किस तरह यूज होगी, वो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कोई सवाल पूछना तो पूछ लो, बात अगर डिस्कस करनी है। क्लियर हो गई तो अच्छी बात है। बाकी स्टूडेंट को क्लियर है ये? अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए फ्लाइड एल्गोरिथम, फ्लाइड वॉशर एल्गोरिथम, ये मैं अपने खुद से पढ़ा रहा हूँ, मुझे अभी टाइम नहीं मिला खुद से स्लाइड बनाने का। हमारी अपनी अटेंडेंस अभी से कहाँ से, अभी तो एक टॉपिक बाकी है 8 बजे, एक घंटा है ना बस। अच्छा मैं थोड़ा सा उसको आइडिया दे दूंगा क्या काम होगा इसके अंदर, फ्लाइड वॉशर एल्गोरिथम के अंदर क्या मैं समझ आए। देखो इसके अंदर हम चाहते ये है कि आपके पास जो है वो ग्राफ होगा, यानी मिसाल के तौर पे मैं आपको इस तरह समझाता हूँ, यहाँ पर दोबारा से स्क्रीन को शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयरिंग चेंज करते हैं, इसके आखिरी स्लाइड पे जाके ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। अच्छा जी हम अब ये चाहते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, अच्छा वो ये है कि अब ग्राफ हमारा वेटेड है, ठीक, और वेटेड ग्राफ के अंदर हम यानी मिसाल के तौर पे ये हमारे पास वेटेड ग्राफ है, डायरेक्टेड हो या अनडायरेक्टेड हो जो भी है, और आपके पास जो है वो इस तरह से आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, इनकी कोई वेट है यहाँ पे, मिसाल 6 है 2 है 3 है 9 है 1 है 5 है 6 है 1 6 7 लिख लो 7 है 3 है 3 भी लिख चुके हैं। अब अगर हम ये देखें कि 6 से लेकर यानी इस 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, एक शुरू में कुछ एल्गोरिथम इस तरह पढ़ाए जाते हैं कि बताया जाता है कि सोर्स 1 से सोर्स नंबर 5 तक अगर हमें यानी डेस्टिनेशन 5 पे जाना है तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। अब वर्ड आ रहा है शॉर्टेस्ट पाथ, अब नोड काउंट नहीं होगा, वेटेड ग्राफ है, ज्यादा नोड आ जाए लेकिन इसका वेट कम होना चाहिए, ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में चला गया। अब समझ में आया, ऑप्टिमाइजेशन यानी अब आपको कम से कम वेट इस्तेमाल करना है। तो हाँ ठीक है, मैं प्रोजेक्ट ग्रुप में डिस्कस कर लेता हूँ, एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना ले तो अच्छा होगा। चलो मैं पहले इसको कंप्लीट करूँ फिर। तो अब अगर कोई यहाँ से मूव करता है 2 फिर 1 और फिर 7 5 पे जाने के लिए तो 9 का डिस्टेंस आएगा, और कोई यूज करता है 6 3 और 1 और फिर 7 तो इसका काफी वेट ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह के कई डिफरेंट रास्ते हमें 1 से 5 तक ले जा सकते हैं। अगर हम क्या कहते हैं ब्रूट फोर्स, जिसको एग्जॉस्टिव सर्च कहते हैं, पहले भी हमने देखा था, वो यूज करते अगर हम, तो होगा ये कि कई डिफरेंट रास्ते होंगे, जो सबसे मिनिमम होगा हम कहेंगे ये मिनिमम रास्ता है, लेकिन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है एक्सपोनेंशियल हो जाएगी, तो हमें इससे अवॉइड करना है। तो हम यहाँ पे ये सोचेंगे कि अच्छा ये तो था सिंगल सोर्स कि अगर 1 से सबका डिस्टेंस लेना है, यानी 1 से 2 का क्या शॉर्टेस्ट होगा, 1 से समटाइम ऐसा होता है, मैं आपको बताऊँ, आप जब अगर रजिस्टर एल्गोरिथम पढ़ते या आपने पढ़ा होगा बल्कि, तो इसमें इस तरह होता है कि मिसाल के तौर पर ये वाला डिस्टेंस जो है वो मिसाल के तौर पर 5 है और ये डिस्टेंस जो है वो 2 है, और यहाँ से इसको अगर हम जाते हैं तो ये डिस्टेंस 1 है, तो ये सोर्स है। आगे और भी ग्राफ है, लेकिन जब हम यहाँ से रीड करते हैं तो हम रीड करेंगे ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बेसिस पे, पहले नेबर्स को चेक किया जाए, तो नेबर्स में इसका यानी इस सोर्स से इस वाले डेस्टिनेशन में, यानी इस वाले डेस्टिनेशन इन 2 में जाने का एक रास्ता है जो कि ये वाला है, और इसका वेट जो है वो 5 है, तो हम कहेंगे सोर्स से 2 पे जाने का, सोर्स है ये, सोर्स से 2 पे जाने का एक वेट है जो कि 5 के बराबर है, ठीक है, ये मैं डाइजेस्टर का बता रहा हूँ।